नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर क्रिकेट जगत से है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में स्प्रिंग बॉल से खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने महज 3 दिन में ही अपने नाम कर लिया। 8 विकेट की इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया 4 मैच के टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इससे पहले भारतीय टीम दूसरी पारी में 36 रन बनाकर आउट हो गई थी। उसका टेस्ट मैचों में ये न्यूनतम स्कोर है। इस तरह महज 90 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से पार कर लिया। जो बर्न्स ने छक्का मारकर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई है, बल्कि अर्धशतक भी पूरा किया है। तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारत के लिए कुछ भी सही नहीं। नाइट वॉचमैन जसप्रीत बुमराह के विकेट गिरने के साथ ही भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालत इतनी खराब हो गई कि कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 9 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंग्स ने 21 रन देकर 4 विकेट और जोश हेजलवुड ने 8 रन देकर 5 विकेट झटके। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 53 रन की बढ़त थी। मात्र 36 रनों पर भारतीय पारी सिमट गई और इस आधार पर वह ऑस्ट्रेलिया को महज 90 रनों का लक्ष्य ही दे पाई। ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच जीतने के लिए महज 90 रन का टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। मैथ्यू वेड ने 33 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर आसानी से 93 रन बनाकर मैच जीत लिया। स्टीव स्मिथ 1 रन, जो बर्न्स 51 रन पर नाबाद रहे। 50 रन से ज्यादा की लीड लेने के बावजूद भारतीय टीम 3 दिन और 2 रात में यह डे नाइट मैच हार गई। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।